तो भाई आज है 22 जनवरी और आज है भाई रामलला का स्वागत यानी अयोध्या में। तो भाई मुझे ना आज बहुत खुशी हो रही है और आज मेरी छुट्टी भी है तो बहुत अच्छा भी लग रहा है क्योंकि आज हम घर पे सजावट भी करेंगे, दिए भी जलाएंगे और भाई इस पल को एंजॉय भी करेंगे क्योंकि आज एक तरीके से हमारे घर में समझ लो दिवाली है, हमारे घर के पूरे हिंदुस्तान में दिवाली है क्योंकि भाई राम जी ने 14 वर्ष का वनवास काटा था तब दिवाली हुई थी। पर हिंदुस्तान में कुछ ऐसा हुआ कि भाई उनको 500 साल तक इंतजार करने के बाद अब जाके वो अपने घर लौटे हैं। हिंदुस्तान में एक दिवाली का माहौल है भाई क्योंकि एक तरीके से आज दिवाली है क्योंकि भाई रामलला वापिस आ रहे और हमारे यहाँ पे ना आज भंडारा भी हो रहा है क्योंकि 22 जनवरी है और उधर मोदी जी पूजा कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे भंडारा चल रहा है, हमारे यहाँ पे नहीं पूरे इंडिया के अंदर आज भंडारा चल रहा है क्योंकि भाई रामलला का दिन है। तो आप सभी को भाई इस नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं क्योंकि आज हमारे लिए नया वर्ष ही है क्योंकि भाई आज रामलला आ रहे हैं। तो जय श्री राम कमेंट में जरूर बोलना और आप सब लोग के वहाँ भी भंडारा हो रहा है तो कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल मैं दिखाता हूँ आपको नीचे भंडारा होते हुए। तो भाई ये देख सकते हो आप, आज भाई 22 जनवरी है और आज अयोध्या में राम मंदिर का वो हो रहा है, मतलब क्या बोलते हैं उद्घाटन पूजा है क्या बोलते हैं, तो उसकी वजह से हमारे यहाँ पे भी देखो कितना अच्छा लग रहा है और यहाँ पे भंडारा कर रहा है आज उनके नाम पे। तो आज समझ लो इस तरीके से छोटी दिवाली है, मतलब एक और दिवाली है। और मैडम भी हमारी देखो यहाँ गाड़ी पर बैठी है क्योंकि भाई ये ना चॉकलेट खा दी और चॉकलेट खा के देखो उसने मुँह कैसा कर लिया। दिखाओ भाई हाथ, दिखाओ मुँह, दिखाओ मुँह, दिखाओ मुँह, दिखाओ। तो भाई चॉकलेट खाने में मस्त हो रखी है और आप देख सकते हो भाई ये भी आज बहुत हैप्पी है क्योंकि भाई मेरी छुट्टी भी है और इसे भी पता है राम जी अपने घर लौट रहे हैं। तो ऐसा कुछ हमारे यहाँ पे माहौल है, घर में सब लोग अंदर बैठ के खाना खा रहे हैं क्योंकि हमने खा लिया है और मुझे लगा आपको ये पल दिखाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे भंडारा हो रहा है तो यानी हर जगह भंडारा हो रहा होगा और ऐसा पल हर जगह आज हो रहा है। और शाम को भाई हम दिए भी जलाएंगे और घर भी सजाएंगे। तो मैं अभी फिलहाल दिखाता हूँ अंदर लोग क्या कर रहे हैं। फैसे खाना खा रहे हैं पर मैं थोड़ी देर में जाऊँगा क्योंकि पहले मैं इसके साथ खेल लेता हूँ थोड़ा क्योंकि थोड़ा भी ना हल्की फुल्की धूप है अभी चली जाएगी। उसके बाद मैं आपको अंदर का सारा प्रोग्राम दिखाता हूँ क्या क्या चल रहा है। और ये आप देख सकते हैं हमने आग भी जला ली है थोड़ा क्योंकि ना अब कोयले बनेंगे धीरे धीरे, फिर शाम को अंदर रख दें क्योंकि भाई ठंडा बहुत हो रहा है। सच में भाई बहुत ज़्यादा हवा लग रही है तो अभी हमने कोयले भी तैयार कर रखे हैं ताकि हम आराम से फिर बाद में इसको सेकेंगे। और घर को इस तरीके से हमने तैयार कर दिया, देखो हमने यहाँ सजाना शुरू कर दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हो झालर हमने लगा दिए हैं जैसे कि हम दिवाली में रेडी करते हैं कुछ उसी तरीके से हमने सारा रेडी करा है। और पापा और भैया यहाँ चाय वाय पी रहे हैं और बीड़ी भी फूंक रहे हैं और साथ में रामायण भी देख रहे हैं। ये नई वाली रामायण मेरे को बहुत अच्छी लगती है देखो और बहुत मतलब मज़ा आ रहा है इसको देख के और काफ़ी अच्छे से ये मतलब ये स्टोरी बनाई है जिसे देख के ना बहुत मज़ा आ रहा है। और इस तरीके से चाय पानी हो रही है और यहाँ पे भी हमने कुछ इस तरीके से सजा दिया है ये देख सकते हो आप। मैडम को मैंने वहाँ पर आराम से सुला दिया, रहने तो छेड़ना नहीं क्योंकि मैंने इसको अभी छत में घुमाया फिर सुलाया। और बानू भी चाय पानी बना के अभी बैठ गई है। तो ऐसी छोटी छोटी तैयारियां हो रही है घर के अंदर, भाई हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं और रात को हम लोग दिए भी जलाएंगे और सारा प्रोग्राम आपको दिखाएंगे जैसे जैसे चीज़ें तैयार होंगी और सब आप इस ब्लॉग में देखते रहेंगे। और भाई आपको ना अगर इंटरटेनमेंट होता है ना तो प्लीज़ यार कमेंट जरूर करो और हम आप लोग भी मेहनत करते तो प्लीज़ यार चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर ज़्यादा करना वीडियो। और मुझको ना अच्छा लगता है क्योंकि आप लोग वैसे प्यार देते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस ऐसे ही प्यार देते रहना और जो भी घर के अंदर प्रोग्राम चलेगा वो सब मैं आपको दिखाता रहूँगा। ये चिलम स्टार्ट हो गई है, हमारे पहाड़ियों में पीते हैं इसको, देखो हमारे पहाड़ियों में ये तंबाकू डाल रहे हैं और ये तंबाकू है, ये हुक्का है छोटा सा, हमारे गांव में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पीते हैं बुढ़े लोग। तो पापा बुढ़े हो गए ना मतलब, और भैया भी अभी हुक्का पियेंगे तो ऐसे तो गलत चीज़ है ये। तो मम्मी पापा भी ये तैयारी कर रहे हैं, मम्मी कोयला लगाएगी इसके अंदर, इसमें कोयले डालेगी ये हुक्का रेडी होगा। तो साथ साथ में कुछ इस तरीके से भी काम चल रहे हैं, मतलब हर चीज़ बराबर चल रही है, बस आप लोग इंटरटेनमेंट होते रहिए, हम लोग ऐसे आप लोग करते रहेंगे। तो भाई अब आप देख सकते हैं शाम हो चुकी है और सामने आप देखो दिए हर किसी के घरों में और हमने कुछ इस तरीके से दिए लगा दिए हैं आप देख सकते हो। ये देखो एक आध बुझ गया है भाई, ये हवा हवा भी चल रही है तो ये देख सकते हो और फटाके भी फूट रहे हैं भाई बहुत ज़्यादा। और वो देखो लोगों ने लड़ियाँ भी लगाई हैं कितने, जैसे लगा भाई दिवाली है। और वो देखो सामने और यहाँ नीचे देखो, ओहो भाई देखो कितना प्यारा लग रहा है, वो देखो सारा दिए ही दिए जला, देखो पूरे छत में दिए दिए और वहाँ भी देखो हर जगह दिए जल रहे हैं। और सामने वहाँ देखो मतलब दूर दूर तक जहाँ तक देखोगे आपको दिए ही दिए दिखेंगे। तो भाई ऐसा कुछ आज यहाँ नज़ारा है आप देख सकते हैं भाई, मतलब क्या ही बोलूँ मज़ा आ गया। फंक्शन भी सो के उठ गई, ऐसी का इंतजार कर रहा था और ये भी उठ गई है सो के। तो भाई आपने देखा भाई आज कितना प्यार लग रहा है, हर जगह भाई दिए दिए जल रहे हैं तो बहुत खूबसूरत लग रहा है भाई। और ठंड भी लग रही है भाई देखो, और हम लोगों ने अंदर पूजा वूजा भी कर ली है और बस इस मैडम का मैं वेट कर रहा था उठने का जो कि उठ गई है। अब इसको बाहर दिखाने लगा है, इसको बहुत अच्छा लग रहा है, इसे लग रहा है दिवाली है।
बस दिवाली है बेटा। तो भाई आज सभी लोग भाई कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलना, और आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ यार कमेंट करना, और मुझे बताना आपको ब्लॉग कैसा लगता है, अच्छा लगे बुरा लगे मैं कमेंट करके बताया करो, ताकि भाई मेरे को ऐसे ही ना मतलब मोटिवेशन मिलते रहे और मैं आगे ऐसे ही काम करता रहूं। तो भाई चलो आप लोग अंदर भी दिखाते हैं लोग क्या कर रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने यहाँ पर भी देखो सब यहाँ से जैसे दिवाली पर सजाते रहे ऐसे हमने यहाँ भी देखो हर जगह दिए लगाए हैं। ये देख सकते हो आप, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, देखो ऐसे करके हमने पूरा घर सजाया रखा है। और मम्मी पापा को देखो यहाँ पे अंदर बैठे हैं, सबको ठंड लग रही है, और बहनु यहाँ फुंतरू का टोपी को गर्म कर रही है, ठीक है। और मंदिर भी दिखा देते हैं हम आपको, और ये देख सकते हैं दोस्तों आप, हमने मंदिर में भी एक दिया जलाया है, ये देखो और कितना खूबसूरत लग रहा है। तो भाई ये है हमारा प्यारा सा मंदिर जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। तो आई होप कि आपको भी अच्छा लग रहा होगा, तो भाई कमेंट में जय श्री राम जरूर बोलना। तो भाई आपने देखा है ऐसे कुछ तैयारियां हमने करी है भाई, हर जगह दिए जला रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बात दिवाली है, क्योंकि इतने बम फोड़ रहे हैं भाई, मतलब क्या ही बोलूं। और फुलतों को मैं बाहर दिखा के लाया भाई, खुश हो गए, फुलतों की शो रही थी, मैं वेट कर रहा था उठेगी तो उसको दिखाऊंगा, तो भाई बहुत ज़्यादा खुश हो गए। बार बार बोल रही है कि दिए दिखाओ बाहर पर, लेकिन भाई अब बड़बड़ बहुत हो रही है, तो भाई इसलिए उसको अंदर ले आया मैं। तो हमें भी थोड़ा मोटा काम के लिए मार्केट जाना है, तो मैं ज़रा मार्केट में आता हूँ और मार्केट में दिखाता हूँ, अगर मौका मिला तो वीडियो बनाऊँगा, नहीं हुआ तो फिर मैं आ जाऊँगा, थोड़ा सा सामान लाना है मैं ले आता हूँ, फिर टाइम हो रहा है, तो इसलिए भाई जो भी है फटाफट करते हैं, क्योंकि टाइम भी हो गया ना, तो टाइम खाना भी बनाना है फिर खाना भी है, तो भाई जितनी जल्दी हो सके जल्दी करेंगे, और जल्दी जल्दी आके फिर वीडियो भी एडिट करना है। आज पग पग पलक बिछाएंगे, ओ आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे, आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए, राम आएंगे कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए, राम आएंगे नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए, राम आएंगे कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए, राम आएंगे। आज सर झुके तट मुस्काएंगे, मोर नाचेंगे पपी है आज गाएंगे, आज दसो ये दिशाएं जैसे शगुन मनाए, राम आएंगे नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए, राम आएंगे कभी ढोल बजाए कभी द्वार सजाए, राम आएंगे कुछ समझ न पाए कहाँ दीप जलाए, राम आएंगे जाके आसमानों से तारे मांग लाएंगे, कौशल्या के लल्ला जी तुम्हीं पे सब लुटाएंगे, 14 साल जोरों के वो आंसू अब बहाएंगे, अवध में राम आएंगे हमारे भूरे।
मस्तक है तीन लोक और सुर नर करे प्रणाम। एक चंद्रमा एक सूर्य एक जगत मेरा, एक जगत मेरा। आज दसो ये दिशाएं जैसे शगुन मनाए राम आएंगे। कैसे खुशी ये छुपाए राम आएंगे। कभी ढोल बजाए कभी द्वार सजाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ दीप जलाए राम आएंगे। और यहाँ पे देखो कितना खूबसूरत लग रहा है भाई, सारे देखो दिए जला रखे, आनंद आ गया आनंद। तो भाई चलते हैं घर के लिए फटाफट, और भाई मिलते हैं घर पे चल के, क्योंकि भाई मैं लेट हो रहा हूँ। ये देखो वाह, तो भाई अभी घर पहुंच चुके हैं मार्केट से, और भाई अब फटाफट बनाते हैं खाना क्योंकि भाई लेट हो गए हैं। और आज ना यार काफ़ी इन्जॉय किया हमने, क्योंकि आज ना दिन वाकई में ऐसा था, मतलब मज़ा आ रहा था। तो फुंतरो दादी दादा आपस में खेल रहे हैं और हम बनाते हैं भाई चाय पकौड़े, और हम ना कढ़ी पकौड़ा बना रहे हैं। तो थोड़ा सा चाय के साथ भी पकौड़े खाएंगे, और थोड़ा सा मतलब पकौड़े हम फिर कढ़ी में डालेंगे, जिससे कि खाना ना और टेस्ट हो जाएगा। मतलब टेस्टी क्या होगा, मतलब कढ़ी पकौड़ा बनाएंगे तो जो भी मतलब खाने का एक अलग ही मज़ा आएगा। सही बता रहा हूँ, आज का दिन कैसे गया पता भी नहीं चला, क्योंकि इतना मज़ा आया ना आज, क्योंकि नॉर्मली छुट्टी नहीं थी, बल्कि भाई यहाँ पे आज एक मतलब एक ऐसा दिन था ना जो काफ़ी टाइम से लोगों ने जाता, और आज वो दिन आया तो सच में तो मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा था। और मैं जब मार्केट गया तो भाई सच बता रहा हूँ, हमारी सब्जी मंडी में ना वहाँ पे पूरा मतलब मंडी उस साइड कर दी थी, और जो बीच का पूरा एरिया था ना मंदिर के साथ ही, भाई उसमें ना पूरा टेंट लगा रखा था, और भाई वहाँ ना इतने अच्छे से भजन कीर्तन चल रहे थे पूरा एरिया। मैं तो खूब इंजॉय करके आया, और मैंने ब्लॉग भी शूट किया, और आप लोगों को आई होप कि देख के मज़ा भी आया होगा। तो भाई ऐसे ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, 10 बार बोलता हूँ, बार बार बोलता रहूँगा, तो प्लीज़ यार करो, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को यार सपोर्ट दो, ताकि भाई आपका भाई भी ग्रो करे, और जब ग्रो करेगा तो भाई एक से एक राइड करने निकलेगा, और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाएगा। तो प्लीज़ यार थोड़ा सपोर्ट करो, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाओ। और फिलहाल तो भाई मैं पकौड़े बनाता हूँ, मतलब भानू के साथ मिलके, मैं नहीं बना रहा चलो, तो उसके साथ मैं थोड़ा हेल्प करता हूँ। तो भाई पकौड़े देखो हमने कर दिए रेडी, और ये मिर्च भी हम ले आए थे, और भाई पकौड़े बनके यहाँ रेडी हो गए हैं, और अब रह गया है कड़ी, कड़ी में डालेंगे इन पकौड़ों को। ये आप देख सकते हैं अभी खोल गई है, ये देखो हाँ मतलब पक गई है, खोली गई है, बुलबुले आ रहे हैं इसमें, उधर दूध गर्म हो रहा है, और यहाँ पर कड़ी मतलब रेडी हो रही है, और फिर हम डालेंगे इसमें वो पकौड़े जो हमने अभी बनाए हैं। तो चाय के साथ कुछ पकौड़े खा लिए, और कुछ हम इस कड़ी में डालेंगे। तो भाई आप देख सकते हो मेरा फंतरो आराम से यहाँ पे बैठ के मज़े से मतलब अब खाने का आनंद लेंगे, क्योंकि बस थोड़ा सा रह गया है, और जल्दी जल्दी रेडी हो रहा है, और रेडी होते ही भाई फिर गरम गरम खाने का मज़ा लेंगे। वैसे चाय पकौड़े हमने खा लिए हैं, अब वो रेड अब ये जो पकौड़े बस कड़ी में डालना है, और हम लोगों ने उसे बस भाई गर्म गर्म चावल के साथ खा लेना है, क्योंकि भाई कड़ी पकौड़ा खाने का बहुत मन कर रहा था। तो आपको पता ही है मतलब अच्छा लगता है ठंड में, है ना, कड़ी पकौड़ा अच्छा लगता है ना, सच में देखो भाई इसको भी अच्छा लगता है, देखो ये लगता है अच्छा लगता है, पर क्या अच्छे लगते हैं, हैं खाएगा क्या, खाएगा ये मेरा बेटा, हाँ पाका तो सबको पहले उसको खाने दो, हाँ ठीक है ठीक है। तो भाई अभी इसको एंजॉय करने दो, वरना फिर पता है ना बवाल कर देती है, तो अभी खेलने दो और खाने दो। तो हम लोग आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। तो भाई ये देख सकते हो आप क्या गर्मा गर्म कड़ी चावल, आहा भाई देख के तो मुँह में पानी आ रहा है, ये देखो क्या बढ़िया बनाया हमने कड़ी चावल,
ये मम्मी के लिए और पापा को भाई गर्मा गर्म कड़ी चावल, अब मेरे पापा खाएंगे और ये मैडम सिर्फ देखेगी। हाँ भाई आप सिर्फ देखो ठीक है। हाँ पंतरू राम आएंगे, राम आएंगे, ये राम आएंगे, जय श्री राम, ये श्री राम, ये मेरा बेटा। तो भाई गर्मा गर्म कड़ी चावल यहाँ बन चुके हैं, तो भाई आप बस फटाफट इसे खाते हैं क्योंकि भाई मुंह में ना पानी आ रहा है, भाई भूख लगी है, हमने बस थोड़ा चाय पकौड़े खाए। अब भाई कड़ी चावल खाने का मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, आज हमने बना लिया। और ये मैडम को देखो मेरे पीछे, इसका भी डाइट डर लगा रहता है क्योंकि भाई की धूप कुछ जाती है ये। तो भाई अब खाते हैं गर्मा गर्म कड़ी चावल, भाई लेट भी हो गए और भूख भी बहुत तेज लगी है। और वीडियो यहीं तक रखते हैं और भाई खाते हैं गर्म गर्म खाने को। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपको पता है ना क्या करना है, तो भाई करो जाके फटाफट।